और अगर ये आईसी उल्टी लगा दूं, ये डायोड उल्टा लगा दूं, या कैपेसिटर ये ना, ये वाला कैपेसिटर ना लगाऊं, ये बूस्ट कॉइल की जगह मैं कोई दूसरा बूस्ट कॉइल लग दूं तो क्या होगा? तो ये सारी जो चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें समझनी जरूरी है। इसके अंदर जितना भी जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसके अंदर जो यहाँ पर आपको रीडिंग मिल रही है, वो रीडिंग क्यों मिल रही है उस, और ये कहाँ से आ रही है, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। ये यहाँ पर एपी टू पीएमआई बीएल डीडर, अगर मैं आई टू सी लाइन को चेक करूंगा तो यहाँ पर आई टू सी लाइन पे जितना रेजिस्टेंस आना वो आ रहा है। ये हमारा डी डब्ल्यू आई की लाइन है, ठीक है। तो ये हमारे वीसीसी हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये देखिए हम बनवाएंगे। आप फॉल्टी मोबाइल भी ला सकते हैं 10, कोई इंस्टीट्यूट वाला नहीं बोलता कि फॉल्टी मोबाइल लाइए, हम बोलेंगे आपसे फॉल्टी मोबाइल लाएं आप और हमारे कोच ज्वाइन करें। फोन को वापस पैक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आईसी लगाई है, पहले शॉर्टिंग निकाली कैथोड लाइन से, फिर उसके बाद में यहाँ पर हमने जो प्राइमरी वीसीसी को हमने शॉर्टिंग निकाली, आईसी चेंज की, अब उसके बाद आईसी और माइक्रो जम्पर लगाया है, और माइक्रो जम्परिंग लगाने के बाद फिर अब हम अब इस सेट को ऑन करके देख रहे हैं। ये कम्प्लीटली डेड आया था सेट हमारे पास, दो बार किया है, ये फेक तो नहीं बन रहा है, बताओ तीन बार ऑन मोबाइल में, बिल्कुल आपने किया है। तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर्किट डायग्राम के। अच्छा किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा, मुझे बताओ। सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिसका हमने अभी पीसीबी देखने का नजरिया क्या हुआ है, बिल्कुल चेंज हुआ। आपका नाम क्या, कहाँ से है? मनोज, दिल्ली से। इतना बड़ा शहर साउथ नॉर्थ दिल्ली, इतना बड़ा, आप छोटे से जबलपुर में क्यों? सर मैं बता नहीं सकता, ये इंस्टीट्यूट बेस्ट है, वो सारे टीचर है ना बहुत बेस्ट है सर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिसे सीखना है यहाँ पे आके सीखो, है मोबाइल पे ज्ञान नहीं मिलेगा, अगर सीखना है यहाँ पे आके सीखो, प्रॉपर नॉलेज मिलती है सर। एक एक पॉइंट जो हम छूट जाता है इसके बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता है सर, बिल्कुल, वो प्रैक्टिकल करवाया जाता है सर। क्या बात है, ताली बजा दीजिए सर। पीसीबी देखने का नजरिया पुरानी बात हो गई, यहाँ से जब हम जाएंगे तो पीसीबी से बात करने लगेंगे, जब हमारे हाथ में मल्टीमीटर होगा ना तो हम पहचान जाएंगे कि कहाँ से क्या फॉल्ट है। सही बात है, तो बहुत बेटे, बहुत ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आना चाहिए। बोलिए, एक बात है सर, मैं भी प्रेशर हूँ, आपको तो सर रात को 12 बजे भी मत पढ़ना होता है, 12 बजे भी हमारा मैसेज आता है और हम ये लेके बैठ जाते हैं, जो ये कंपोनेंट को पूरा सर्किट डायग्राम बना के देना पड़ता है, जो हमारे पास कुछ होता ही नहीं होता है, जबकि 9 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है जबलपुर का, इतने कम डिग्री में है लोग कम्बल में घुस जाते हैं। हम लोगों को उठ के सर अभी सर्किट बना के देना पड़ता है बिना औजार के, क्या बिल्कुल ये है इंस्टीट्यूट का रिव्यू। थैंक यू वेरी मच। हाँ दोस्तों, कहते हैं आप सभी लोग, मैं हूँ देवव्रत नगरवाल, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम, बिल्कुल वही जोश और वही एक मोटिवेशन के साथ। ये वीडियो है iPhone 6 पर, जिस पर मैंने आज एक्चुअली ये फोन मिला था डेड कंडीशन में। इस पर इसकी जो वीसीसी लाइन थी वो तो शॉर्ट थी, साथ में इसकी सेकेंडरी लाइन भी शॉर्ट थी। तो पहले ये हमने इसकी लाइन को फाइंड आउट किया और किस तरीके से हमने सेकेंडरी लाइन को धूरा है और उसको किस तरीके से हमने रिमूव किया है, ये पूरा मैंने बताया कि कितने वोल्टेज हमने दिए, कैसे दिए। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, और पर्सनली मैं बोलता हूँ अपने पर्सनल लेवल पे अगर आपको नॉलेज मिलता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ गया है, इसलिए 3 मई तक अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, घर से मत निकलिए दोस्तों, मैं भी यही कहूंगा और सभी दुनिया यही कह रही है। उसके साथ में ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारी ऑफिशियल क्लास कब लगेगी, 28 जो हमारी मई की क्लास है, जो हमारी मार्च और अप्रैल की क्लास हमारी नहीं लग पाई इसका, तो वो कब लगेगी तो वो हम बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। मे बी हम 20 या 25 तारीख को हम अनाउंस करेंगे। सो वो ऑफिशियल अनाउंस आपको मिल जाएगा इसे टेलीकॉम के थ्रू से, और बाकी हमारी कॉल डिटेल जो कॉल लाइन है वो पूरी हमारी ओपन है, और घर पे बैठ के हमारे सारे कॉल मैनेजमेंट जो भी हमारे लोग हैं वो काम कर रहे हैं, आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आप जिनका भी अगर कोई बैच बुक है, अगर उनको लग रहा है कि कॉल बैच लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, सारे बैचेस लगेंगे, जो भी पुराने हैं उन स्टूडेंट के भी बैच लगेंगे, और जो आगे के एडमिशन जो हुए हैं उनके भी बैच हम आगे करेंगे। बट अब टाइम का एडजस्टमेंट, क्योंकि एकदम से 3 मई के खुलने के बाद में मैं 10 तारीख को बोल दूं, और अगर पूरा नहीं खुला है, उन्होंने कुछ ही उन्होंने खोले
जैसे जो रेड जोन है, जिस तरह जोन बना के रखे हैं, अगर उन्हें कुछ खोले तो उस हिसाब से फिर हम अपनी क्लास को रखेंगे। सो 15 मई से हमारी क्लास आईफोन के लिए तो ओपन है, इसलिए आईफोन के लिए अगर कोई एडमिशन कराना चाहता है तो प्लीज कॉल कर सकता है नीचे दिए नंबर पर, 12 और 5 बजे के बीच में कॉल करना है। और 15 मई में जो हमारी एमसी की क्लास होती है वो भी हमारी ओपन है, इसलिए एमसी के लिए भी जो एडमिशन चाहता है वो कॉल करा सकता है। बाकी जो हमारे पुराने स्टूडेंट जो एमसी कर चुके हैं, जो एमसी को फिर से करना चाहते हैं और जिनको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वो वापस 15 मई की हमारी एमसी की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, टोटली फ्री, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। और तीसरी चीज ये है कि जो हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बैच है उसके लिए मैं आपको मे बी 20 तारीख या 15 या मे बी 10 तारीख को भी मैं बोल सकता हूँ, बट अभी ऑफिशियली मैं कुछ भी अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, आगे बिल्कुल अनाउंस करूंगा। तो कीप ट्यूनिंग, कीप ज्वाइनिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप अपडेटिंग एंड कीप मोटिवेटेड। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इसको लिया, मैंने इसको डायग्नोस किया है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पर ये जो कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर इसके माइनस की ओर हमें पूरी फुल शॉर्टिंग मिल रही है। यहाँ पर पूरे जो भी कैपेसिटर्स हैं ये बीप मार रहे हैं। एक ये कैपेसिटर जो मेरा मेन कैपेसिटर है बीप मार रहा है, और जो मेरा डिस्प्ले कनेक्टर के साथ लगा हुआ कैपेसिटर बीप मार रहा है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये ढूंढना है कि हमारा कौन सा कैपेसिटर जो हमारा है वो शॉर्ट है। तो हमने अपने डीसी की मशीन को देखे 1.82 वोल्टेज पर सेट किया हुआ है, और हम अपने जो डीसी वोल्टेज मशीन को, जो डीसी को है, हम उसके प्रोब्स को डायरेक्ट इस कैपेसिटर पे लगा रोजिंग लगा रहे हैं। हमने सेकेंडरी लाइन को हम सर्च कर रहे हैं, और ये आपको जो ट्रिक है ये ज्यादातर इंस्टीट्यूट में ही मिलती है, हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट दे रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी और भी बहुत सी ट्रिकें हम आपको देते रहेंगे, जितना ज्यादा है उतना हम आपको बताएंगे, और आपके मोबाइल चार्ट बनेंगे, आपको अच्छा लगेगा, और आप और अच्छा सीखना चाहेंगे तो आप इसे टेलीकॉम को ज्वाइन जरूर करें। तो जैसे कि अब यहाँ पर ये जो फोन हमें इसी कैटेगरी में इसी तरीके से हमको बनकर आया था, मतलब बेसिकली हमारे पास जिस भी स्टूडेंट का ये फोन आया हुआ है वो हमको, उसने इतना सारा काम कर लिया, वो कैपेसिटर नहीं निकाल पाया और फोन में शॉर्टिंग है। तो बेसिकली अब इसको हम कैसे निकालें, तो अब मैंने क्या कर दिया है, जो ब्लैक प्रोब है उसको मैंने ग्राउंड पे रखा हुआ है, और रेड प्रोब को इस तरह से मैंने ट्रूजर पर रख लिया है। अब जैसे ही मैं यहां पर इसको टच करूंगा, देखिएगा आप, मैं इसको जूम कर देता हूं, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा हो। मैं पीसीबी, क्योंकि कैमरे का सेटअप इस तरह से लगा हुआ है कि पीसीबी आपको टीवी पे दिखाई दे रही है, और यहां पर देखिए पूरी क्लियरिटी में आपको पीसीबी दिखाई दे रही होगी। अब मैं इसको एक चिराग ग्राउंड पर रखता हूं, और यहां पर इसके प्लस पॉइंट पर मैं इस पर टच करता हूं, तो देखिए जैसे ही मैंने इसके प्लस पॉइंट पर टच किया वैसे ही ये कैपेसिटर यहां पर मुझे शॉर्ट बताया। तो ये कैपेसिटर लीकेज है, जैसे कि आपने देखा यहां पर, तो हम इस कैपेसिटर को उठाएंगे। ये जो कैपेसिटर है ये हमारा जो डायोड के कैथोड के साथ लगा हुआ है, जो भी हमारे फ्रिक्वेंसी वोल्टेज बनते हैं, जो बूस्ट वोल्टेज होते हैं, जो यहाँ प्लस 12 वोल्ट के ऊपर 18, 15, 24, 30 जो भी वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है, वो इस कैपेसिटर से फिल्टर होकर या हमारे कनेक्टर के एनोड पे जा रहा है, और ये एनोड कनेक्शन बना रहा है। और अगर मैं इसको आपको इस तरीके से समझाऊं, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर देखिए, ये ZXW है, तो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो कैपेसिटर है बेसिकली ये वो कैपेसिटर है, जैसे कि मैंने आपसे बात की, ये मेरा वो कैपेसिटर है यहां पर। तो मैंने ये कैपेसिटर मेरा फुल शॉर्ट जा रहा था, उसके साथ लगे हुए सारे कैपेसिटर्स यहां पे फुल शॉर्ट जा रहे थे, तो मैंने इस कैपेसिटर को हम यहां पर 1.8 वोल्टेज की सप्लाई दी, और हमें ये कैपेसिटर मिला यहां पर 14 नंबर का एक कैपेसिटर जो शॉर्ट है। अब हम इस कैपेसिटर को निकालेंगे और चेक करेंगे कि हमारा फोन सही कंडीशन में ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसमें ये बूस्ट कॉइल भी हमने लगाई है, जो नॉर्मली जो बूस्ट कॉइल लगी आई थी वो भी डैमेज बूस्ट कॉइल थी, तो बेसिकली बहुत ही मतलब एक गलत तरीके से यहाँ पे काम हुआ था। पर होता है, जो जनरली अभी क्या होता है स्टूडेंट, जब आप लोग सीखते हैं
तो सीखने में ही आपको पता चलता है कि किस तरह से काम हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर 4 वोल्ट की सप्लाई दे दूं तो क्या फॉल्ट चला जाएगा, और अगर ये आईसी उल्टी लगा दूं, ये डायोड उल्टा लगा दूं, या कैपेसिटर ये वाला कैपेसिटर ना लगाऊं, ये बूस्ट कॉइल की जगह मैं कोई दूसरा बूस्ट कॉइल लग दूं तो क्या होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें समझनी जरूरी है। इसके अंदर जितना भी जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसके अंदर जो यहाँ पर आपको रीडिंग मिल रही है, वो रीडिंग क्यों मिल रही है उस, और ये कहाँ से आ रही है, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। ये यहाँ पर AP टू PMI BL DWIN CL के क्या है, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सारी चीज जो आपको है यहाँ पर बेसिकली बहुत क्लियर तरीके से आपको बताएंगे, आपको समझ में भी आएगा और देसी लैंग्वेज में आपको पता चलेगा, आपको काम करने में आसानी जाएगी। यहाँ बहुत एक्सपर्ट लोग हमारे ट्रेनर ट्रेनिंग के तौर पे काम करते हैं। डायग्राम्स में आपको स्पेशली मैं सेल्फ आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर, तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो ये हमारा फॉल्टी कैपेसिटर है, इसको हम निकालते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारा फोन बनता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले हमने इसकी सेकेंडरी लाइन की जो शॉर्टिंग थी वो निकाली, फिर देखा हमने कि इसकी प्राइमरी लाइन भी शॉर्ट थी जो कि VCC मेन पे यहाँ पे बीप आ रही थी। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ इसको, आपको पूरा सीखना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, किस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर पूरा मोबाइल में हमने इसकी टेस्टिंग की। अब मैं आपको देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये ग्राउंड आ रहा है, अब देखिए यहाँ पर, अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे रीडिंग नजर आ रही है 312। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि बीप आ रही थी पहले, अभी बीप नहीं आ रही है, और यहाँ पर ये आईसी की वजह से ये शॉर्टिंग जा रही थी, जबकि इसको पूरा डायग्नोस किया गया। मैं आपको प्लेट PCB दिखाता हूँ आपको अच्छे तरीके से, और डायग्नोस करने का बहुत अच्छा तरीका हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से हमने इसको डायग्नोस किया। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमने इसकी आईसी निकाली, लाइट आईसी निकाली। ये देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ हमने पूरा डायग्नोस किया, हमने नीचे का इसका ये केन भी उतारा, यहाँ पर भी हमने इसको डायग्नोस किया था, पीछे हमने इसकी पावर आईसी के पास, वाईफाई के पास, VCC पावर के पास, और YouTube और हमारा चार्जिंग आईसी के पास भी यहाँ पे हमने डायग्नोस किया, और फाइनली हमको जो डायग्नोस में मिला। तो यहाँ पर ये जो वो मेथड है जो मैंने भी आपको बताई थी कि सॉर्टिंग कर हमने यहाँ पर जो अपना आउटपुट कैथोड लाइन के जो एनोड पर जाता है वो लाइन पे हमने आपको जो बताया था वो यहाँ पर वो दिक्कत नहीं है। ये जो दिक्कत थी वो जो दिक्कत है जो यहाँ पर हमने जो बताया था कि किस तरह से हमने इसकी कैथोड की लाइन की जो कैपेसिटर मेन कैपेसिटर है उस लाइन पर हमने फॉल्ट पकड़ा और यहाँ पर 1.8 वोल्टेज देकर हमने इसको निकाला, पर यहाँ पर VCC शॉर्ट था। अब ये लाइट आईसी में आप जैसे कि देख रहे हैं, जिस भी टेक्नीशियन ने पहले इस पे काम किया था वो यहाँ से लाइट आईसी उस टेक्नीशियन ने शॉर्टिंग चेक करने के लिए VCC लाइन पर मेकाल से शॉर्ट किलर या किसी चीज का यूज किया होगा ज्यादा एम्पियर का, तो जिस वजह से इसका जो पैड है वो निकल गया है। तो अब ये पैड बनाएंगे यहाँ पर माइक्रो जंपरिंग करके, यहाँ से स्क्रैच करेंगे और यहाँ से माइक्रो जंपर डाल के पैड बनाया जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और ये बनाएंगे और इस पर लाइट आईसी लगाएंगे, सिर्फ लाइट आईसी और ये बूस्ट कॉइल लगाना है। देखिएगा ये इसका VCC है, तो ये इसका जो VCC है ये जुड़ा हुआ है इस पिन से, ये देखिए, और ये जो इसका आउटपुट LX निकलती है लाइन वो जुड़ी हुई है इस पिन से। तो देखिए, तो यहां पर देखिए, तो कोई बीप नहीं है, तो यहां पर स्क्रैचिंग करके हल्की सी देखेंगे तो इस लाइन को हम बनाएंगे। तो यहाँ पर माइक्रो जंपरिंग, अगर आपको माइक्रो जंपरिंग नहीं आती है तो आइए हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। ये देखिए, इसकी यहाँ पर ये हमारा आउटपुट है,
यहाँ अगर हम बात करें, ये हमारे कैथोड की लाइन है, कैथोड टू, कैथोड वन, ये हमारे 1.8 वोल्टेज की लाइन है। यहाँ पे हमारा I2C लाइन आती है, तो I2C लाइन भी हमारी बिल्कुल सही है। अगर मैं I2C लाइन को चेक करूंगा तो यहाँ पर I2C लाइन पे जितना रेजिस्टेंस आना वो आ रहा है। ये हमारा DWI की लाइन है, ठीक है। तो ये हमारे VCC हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये देखिए, ये देखिए, ये ग्राउंड हो गया है। जनरली क्या होता है, ये इस पिन के साथ कनेक्ट हो रहा था, जिस वजह से यहाँ पे VCC ग्राउंड जा रहा था। तो इसको बनाते हैं और बनाकर आपको इसको दिखाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और इसको बनाने की जो प्रोसेस है वो हाइड की जा रही है। बाकी आप आइए इंस्टीट्यूट, आपको खुद प्रैक्टिकली ये हम बनवाएंगे। आप फॉल्टी मोबाइल भी ला सकते हैं 10। कोई इंस्टीट्यूट वाला नहीं बोलता कि फॉल्टी मोबाइल लाइए, हम बोलेंगे आपसे फॉल्टी मोबाइल लाएं आप और हमारे कोर्स ज्वाइन करें। और एक बार अगर आपने कर लिया और दूसरी बार अगर आपको दिक्कत जा रही है तो फिर से आएं और फ्री में पढ़ के वो पूरा कोर्स फ्री में ज्वाइन करें। एनी टाइम यू कैन विजिट, आप आ सकते हैं। लाइफ टाइम सपोर्ट यही होना चाहिए। घर बैठ के हम आपको व्हाट्सएप में कितना समझा देंगे, कितना हम आपको गाइड कर देंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही होगी, आपको सिर्फ एक बार हमारे पास आना है, अपने सेट भी लेके आ सकते हैं, उस पर काम करें, और तो आपको भी खुद पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम होता है। तो ज्वाइन AIC टेलीकॉम। थैंक यू वेरी मच। Okay. Thank you. Is it gas? No. Is it gas? No.
तो अब हम फोन को वापस पैक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आईसी लगाई है, पहले सॉर्टिंग निकाली चैट हॉटलाइन से, फिर उसके बाद में यहाँ पर हमने
जो प्राइमरी वीसीसी को हमने शॉर्टिंग निकाली, आईसी चेंज की, अब उसके बाद आईसी और माइक्रो जंपर लगाया है, और माइक्रो जंपरिंग लगाने के बाद फिर अब हम अब सेट को ऑन करके देख रहे हैं। ये कम्प्लीटली डेड आया था सेट हमारे पास, तो कम्प्लीटली डेड आया था ये सेट, और टेक्नीशियंस ने किसी ने लाइट ऐसी पे काम किया था, और जो इसका एलेक्स जो हमारी सप्लाई थी जो डायोड के एनोड पर जाती थी वो उसको शॉर्ट कर दिया था। अब इसको हम पूरी तरीके से ऑन कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाइट आ चुकी है। तो इसको बनाने के लिए किसी टेक्नीशियन ने इसकी वीसीसी लाइन को शॉर्ट किया था, उसके कैथोड के आगे भी इसकी शॉर्टिंग थी। तो पहले इसकी कैथोड की सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग हटाई, फिर वीसीसी शॉर्टिंग हटाई, और किसी ने ज़्यादा एम्पियर देके इसके आईसी के पैड ओपन कर दिए थे। तो उसमें एलेक्स पे जो आउटपुट होता है इसका, उसको हमने जंपर किया, माइक्रो जंपर, एक नई आईसी बिठाई, एक नया डायोड बताया, एक डायोड बिठाया नया, और बूस्ट कॉइल चेंज किया, और अब जाके ये लाइट बनाए। ये हमारे स्टूडेंट से हमें कुरियर रिसीव हुआ था, तो ये हमारे स्टूडेंट का है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है आईफोन तो ज्वाइन करें एसर टेलीकॉम। थैंक यू वेरी मच। An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.